गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों का सिलेक्शन होता है केवीएस में, सिलेक्शन के बाद हमें जब ज्वाइन करने हम जाते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हमें रेडी करके रखना होता है और उन डॉक्यूमेंट को हमें सबमिट करना होता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। मीन्स प्रोसीजर ये होता है कि जैसे ही रिज़ल्ट आता है, जब ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट KVS भेजता है हमें, तो उस ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ में उसको लेकर के जो विद्यालय हमें मिलता है, तो जब हम उसमें रिपोर्ट करते हैं तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें हमें रेडी करके ले जाना होता है। अब उन डॉक्यूमेंट में कौन कौन से हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये पिछले साल का है, मेरा ही है ये। उसमें देखो लिखा है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड मैंडेटरली टू द KVS एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। द फॉर्मेट्स आर इनक्लोज्ड अलॉन्ग विद दिस लेटर। अब जैसे होता क्या है कि जो आपका मेल जो मेल के थ्रू भेजा जाता है लेटर, तो उसमें ये भी सारे डॉक्यूमेंट मेल किए जाते हैं, बस उनको फिल करके और जो भी जिस भी कंपिटेंट अथॉरिटी को बोला जाता है उसके साइन चाहिए होते हैं, उनका उनके द्वारा अटेस्टेड चाहिए होते हैं, उनसे हम उनको करवा लेते हैं। अब इसमें था क्या क्या रहता है, पिछली बार इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सर्विस एग्रीमेंट कम श्योरिटी बॉन्ड। ये बॉन्ड जैसे इसलिए इन्होंने लिया था, उसमें ये मेंशन करना होता है, अभी हम आपको दिखा देंगे कि अगर हम 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जो होता है उससे पहले रिज़ाइन करते हैं केवी से, तो हमें 2 लाख रुपए जमा करने होते हैं। अगर हम नहीं जमा करेंगे तो वो हमें रिलीविंग ऑर्डर नहीं देते हैं, रिलीविंग लेटर नहीं देते हैं और हमारा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता है। तो इस वजह से ये इन्होंने लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। अब इस बार ऐसा वैसे जमा तो करना ही पड़ेगा जहाँ तक है, लेकिन उसके कुछ क्लॉज हैं, उसको हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं जो भी इस तरीके का है। ठीक है, तो ये 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर होता है, उस पर हमें जो भी उनका एक फॉर्मेट है उसको प्रिंट आउट करा लेते हैं या टाइप करा लेते हैं और उसको हम लगा देते हैं और जमा करते हैं। दूसरा है कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स वेरीफिकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ 3 रिसेंट फोटोग्राफ्स, ये भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। फिर उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर, ओथ ऑफ एलिजेंस, स्टेटमेंट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड लाइबिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको हमें प्रिपेयर करके, इनको हमें भर करके और जो अटेस्टेड जिनको बोला जाता है उनको अटेस्ट करवा के ले जाएंगे, और जिनको केवल सिंपली फिल करके सेल्फ अटेस्टेड है उनको सेल्फ अटेस्टेड ले जाएंगे। अब ये डॉक्यूमेंट हैं कौन कौन, जैसे कि ये मेरा ही है, मुझे ही आया था। ठीक, ये है सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, क्योंकि जो हमारे पास अपॉइंटमेंट लेटर आया है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसको फिल करके जमा करना होता है। जैसे कि ये मैंने, आई गौरव कुमार त्रिपाठी हियर बाय एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट, ऐसे करके ये आपको फिल कर लेना है। इसमें आपका जो लेटर आएगा वो लेटर का नंबर पड़ता है, जो ज्वाइनिंग लेटर आपके पास भेजा जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर जो भेजा जाता है उसका नंबर होता है वो पड़ता है, और किस डेट में इशू हुआ वो डेट पड़ेगी, इस तरीके से किस सब्जेक्ट के लिए हुआ वो सब्जेक्ट पड़ेगी, कौन सा विद्यालय हुआ वो सब पढ़ के इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक, ये एड्रेस है। फिर उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं, 2 हमें जमा करने होते हैं। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब होता है जो गजटेड ऑफिसर से होना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं अपना प्रीवियस स्कूल कोई भी है उससे आप करवा सकते हैं, दूसरा भी चाहे तो गजटेड ऑफिसर या किसी सांसद वगैरह से आप करवा सकते हो। ठीक, तो जैसे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो इसमें आप अपने आप भर लीजिए, फिर इसको जो भी आपका क्लोज हो उससे आप साइन करा सकते हैं, गजटेड ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फिल करा लेंगे। फिर ये दूसरा सर्टिफिकेट होता है, ये किसी दूसरे से साइन होगा। ठीक है, ये देखो दूसरे से साइन है, और ये वाला नीचे वाला ये दूसरे से साइन है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको करा लेंगे। ठीक, ये 2 हो गए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इनमें से किसी से भी आप करा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो लिखा है
गेजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिलोंगिंग टू द कंस्टिट्यूएंसी वेयर द कैंडिडेट ऑफ हिज पेरेंट गार्जियन इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट, तो चाहे तो आपका MLA हो या MP हो उससे करा सकते हैं, ठीक है। फिर या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट या ऑफिसर या तहसीलदार नायब डिप्यूटी तहसीलदार ऑथराइज टू एक्सरसाइज मजिस्ट्रेरियल पावर्स या प्रिंसिपल हेडक्वार्टर हेडमास्टर ऑफ द रिकॉग्नाइज स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट, ठीक है, उससे भी करा सकते हैं जहाँ हमने लास्ट ईयर पढ़ा है। फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो BDO होते हैं या आपके पंचायत इंस्पेक्टर्स, इनसे हम करा सकते हैं साइन, ये भी आप अपने आप फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद जैसे कि मैंने सांसद से कराया था तो ये आप सांसद से इसको करा लीजिए या जो भी हो आपका जो भी ऊपर दिए हैं उनसे हम करा सकते हैं। फिर दो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी होंगे, जैसे कि दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहते हैं, दो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अलग अलग साइंड होने चाहिए, तो ये भी है। जैसे ये हमने जहाँ से लास्ट अपनी डिग्री करी थी उन्हीं के प्राचार्य के साइन हैं क्योंकि वो भी गजेटेड ऑफिसर ही की रैंक में ही आते हैं। तो ये दो आपके हो गए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, दो हो गए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना होता है, आप अनमैरिड हैं क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैं अनमैरिड था तो अनमैरिड में मैंने क्लिक किया था, ठीक। ये सारे क्लॉज हैं, इनको पढ़ लीजिएगा और इस पर किसी के साइन नहीं कराने होते हैं, ये खुद ही साइन करके भरना होता है। जैसे कि ये ऊपर डॉक्यूमेंट जो है ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट जैसे मैंने भेजा था, ये दिखाया था आपको, ये भी किसी से साइन नहीं कराना होता, खुद ही साइन करना होता है और मैरिज डिक्लेरेशन खुद ही करना होता है, इस पर भी किसी के साइन नहीं ज़रूरत होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपके CMO या CMS जो होते हैं उनसे बनेगा। जैसे इसको आप भर लीजिए अपने ब्लॉक लेटर में, सारी चीज़ें इसमें दी हैं, ये आपका इस तरीके से भर लीजिए, जो भी स्कूल आपको अलाट हुआ है वो भर के ले जाइएगा और CMO साइन कर देगा। हालांकि वहाँ पे एक ये साइन तभी करेगा जब आपके कुछ टेस्ट हो जाएंगे। इसको लेकर काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे, सर उसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं टेस्ट में, तो अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा ये टेस्ट डिपेंड करता है आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पे कि वहाँ किन चीज़ों का प्रोसीजर है। जैसे कि मेरे यहाँ तो मेनली आई टेस्ट करते हैं, आईज़ का देखते हैं कि सही से हम पढ़ लेते हैं या नहीं, या उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो वो पूरा पढ़वा के देखेंगे तो आई टेस्ट हो जाता है। बाकी फिज़िकल आपका एब्डोमेन टेस्ट हो जाता है, मतलब कह सकते हैं जो फिजिशियन होता है उससे टेस्ट कराना होता है। एक बोन वाले होते हैं वो टेस्ट करते हैं, मतलब ये दो तीन डॉक्टर होते हैं जिनके टेस्ट के बाद अप्रूव हो जाता है, फिर उस पर इस लेटर पर आपका CMO साइन कर देता है। तो ये प्रोसीजर है और ये जैसे मैंने कई लोगों से बात करी तो कई जगह अलग अलग प्रोसीजर होता है, कई जगह पूरा स्कैन करते हैं सारी चीज़ें उसमें देखते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे यहाँ तो तीन चार चीज़ें जो मैंने बेसिकली बताई हैं उन्हीं तीन चार जो हैं डॉक्टर से होकर गुजरना पड़ता है, वो अपनी जांचों को जो चेक करते हैं उसको सर्टिफाइड कर देते हैं, उसमें अगर आप सही हो तो फिट फॉर द पोस्ट करके ऐसे करके साइन करके कर देंगे उस पर आपके, जैसे कि ये मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इनके साइन है, ये साइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता, और इसी का एक और है ये भी जो है इस पर भी साइन CMO के ही होते हैं क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये आपको खुद ही भरना है और ये जो है लास्ट में ये भर के ये आपका दिया है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ही इस पर साइन करता है आपका। ये दो चीज़ें हैं जो आपको आई डिक्लेयर ऑल द अबव आंसर टू द बेस्ट ऑफ एनी बिलीफ आर ट्रू एंड करेक्ट, तो ठीक है। तो इस तरीके से आई आल्सो सोलेमली अफर्म दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड ए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वट एवर पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजीज, तो इस तरीके से ये डिक्लेरेशन भर के और ये हमें CMO से साइन करा के जमा करना होता है। फिर उसके बाद ये अटेस्टेशन फॉर्म होता है जो आपके PBR के लिए आता है वहाँ से, और ये अभी हमें स्कूल में जमा करना होगा, फिर बाद में इसको भेजा जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, इस पुलिस वेरिफिकेशन जैसे कहते हैं, तो ये भेजा जाएगा आपके यहाँ जो भी है उसका वेरिफिकेशन होगा कि आपके ऊपर कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे वो करते हैं। फिर कोतवाली से जहाँ भी आपके आएगा, जहाँ भी थाने आपके आता है, फिर वहाँ से उसको फिर अगर सारी चीज़ें सही हैं तो वो भेज देते हैं। भेजने के बाद फिर आपका फिर विद्यालय चला जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसको भी भर के आपको
जमा करना होगा, ठीक है, इसको भी भर लेंगे हम, इस पर भी किसी के साइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर ये है स्टाम्प पेपर जो मैंने बात कही थी, जो 2 लाख बॉन्ड की बात करता है, तो ये 100 रुपये के पेपर पे बनेगा इस तरीके से। अब ये जैसे मैंने क्या किया था, जो इन्होंने फॉर्मेट दिया था उसी को फोटोकॉपी करा दिया था इसी के ऊपर, तो जहाँ जहाँ चीज़ें भरनी थी वो हमने भर दी थी। जैसे ये सारी चीज़ें रहती हैं, दिस कॉन्टेक्ट मेड ऑन द डेट दिस अगस्त टू, ऐसे करके पूरा प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, आपका नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, फिर इसमें होते हैं जो सिक्योरिटी के लिए कुछ, जो जिनको हम गारंटर बोलते हैं, तो उनके भी साइन इसमें होते हैं। और इस तरीके से ये पूरा कुछ नहीं करना होता, जो फॉर्मेट वो भेजेंगे उसी फॉर्मेट को आप इस पे फोटोकॉपी करा लीजिएगा, और उसमें जहाँ जहाँ चीज़ें जो भी भरने वाली हैं वो आप भर दीजिएगा इस तरीके से, और ये आपका बन जाएगा और इसको आप जमा कर दीजिएगा इस तरीके से। इसको भी गजटेड ऑफिसर से ही साइन कराना होता है, ठीक है, इस पे भी जो आपके गजटेड ऑफिसर होंगे उसके साइन ज़रूरी हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें साइन कराने होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बनवाने होंगे, जैसे ही आपका ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसके बाद इन डॉक्यूमेंट को रेडी करा के और हमें विद्यालय पहुंचना होता है। इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे और डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी एक फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे आप लेके जाइए विद्यालय, क्योंकि वहाँ पर जब हम जाते हैं तो फिर से एक सेट हमें फ़ोटोकॉपी जो जेरोक्स हम कराएंगे सारे डॉक्यूमेंट का, वो जमा होगा इन सब डॉक्यूमेंट के साथ, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो देखेंगे तुरंत आपको वापस कर देंगे, मतलब वो जमा नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत जगह पे होता है, जैसे कि मैं यूपी में ही हूँ, यूपी में प्राइमरी में क्या होता है, वो आपकी फ़ाइल पूरी जमा कर ली जाती है, 3-4 साल बाद मिलती है, या जब आपका मतलब वेरिफिकेशन पूरा करा लेते हैं तब वो देते हैं, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, तुरंत ही आपको वो डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल देख के वापस कर देंगे। फिर जब भी आप वहाँ से आइएगा, जैसे क्या है इसका प्रोसीजर, आप ओरिजिनल लेके जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, जब भी आप घर आइए फर्स्ट टाइम वहाँ से, तो उनका सारे ओरिजिनल आप लेके घर में रख दीजिए आकर के, और उनकी 1-2 फ़ोटो सेट आप वहाँ रखिएगा, क्योंकि जब भी कभी कोई ज़रूरत पड़े वहाँ पे, जब मान लो एट रेंडम कहीं कोई डॉक्यूमेंट लगता है तो आपके पास जेरोक्स होंगी ही, फोटोकॉपी होंगी, तो उन फोटोकॉपी से फोटोकॉपी करा के आप वहाँ पे जमा कर दीजिए जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप सेफली अपने घर पे ही रखिए। मैं यही कहूँगा कि जो भी आपका घर है वहाँ सही सुरक्षित रहेंगे वो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अभी 1-2 लोगों ने मुझसे पूछा, सर सैलरी कब से मिलने लगती है, जैसे कि हमारे स्टेट में क्या होता है 5-6 महीने बाद मिलनी शुरू होती है, तो वहाँ पर सैलरी तुरंत ही मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर किसी भी डेट में, जैसे किसी भी मंथ की 15 तारीख से पहले ज्वाइन करते हैं, मान लो आपने 10, 11, 12, 13, मतलब मैंने एक 15 तारीख मानी है, तो इससे पहले अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो फिर क्या होगी, आपकी जिस डेट को आप ज्वाइन करोगे और जितने दिन उस महीने आप सर्विस करोगे उतने दिन की सैलरी आपके अकाउंट में 30 तारीख को या 31 तारीख को आ जाएगी, ठीक है। अगर आप 15 के बाद, या यूं कहें कि वहाँ पर सैलरी जब बनती है, सैलरी 15-16 में बन जाती है और 15 से 20 तक वो सैलरी मतलब जनरेट कर लेते हैं, तो अगर सैलरी बन चुकी है उस मंथ की सारे टीचर्स की, जो अदर टीचर्स पहले से काम कर रहे हैं उनकी, तो हो सकता कि जब एक बार जनरेट हो गया है बिल वहाँ का, तो फिर क्या होगा कि अगले महीने, क्योंकि इस महीने तो जनरेट हो ही चुकी है, तो अगले महीने जो सैलरी आएगी उसमें आपकी उस महीने की और इस महीने की भी, क्योंकि मान लो 15 के बाद आपने ज्वाइन किया तो 15 दिन या 10 दिन या 12 दिन जो भी बचे, ये और अगले महीने की पूरी ऐड होके आ जाएगी। और अगर अभी बिल जनरेट नहीं हुआ है तो जिस महीने आप ज्वाइन करोगे उसी महीने उतने दिन की सैलरी आपके अकाउंट में 30 या 31 जितने दिन का महीना होता है आ जाती है, मतलब 1 तारीख से पहले ही वो सैलरी अकाउंट में भेज देते हैं, और 1 तक तो भेज ही देते हैं, तो सैलरी का कोई इशू नहीं है। केवी में सैलरी मतलब टाइमली मिलती है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें पैसों के मामले में इतना ज़्यादा वो नहीं वो करते हैं, तो
और भी चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हो।